Today we are going to study electric field intensity. So firstly the question is, what is electric field? Electric word का मतलब है charge और field word का मतलब है area. Consider करें एक charge, positive charge. और मैं दूसरी charge भी consider कर रहा हूँ. For example, वो है unit positive charge. जाहिर सी बात है ये charge इस charge पर force लगाएगी. यहाँ पे जो distance है, for example, r है. मैं इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा दूर लेकर जा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर लेकर जा रहा हूँ, डिस्टेंस r डैश. अगेन मैं इस चार्ज को थोड़ा सा और दूर लेकर जा रहा हूँ. फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस है r डबल डैश. ये चार्ज इस चार्ज पर भी फोर्स लगाएगी, ये चार्ज इस चार्ज पर भी फोर्स लगाएगी और ये चार्ज इस चार्ज पर भी फोर्स लगाएगी. लेकिन एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसके बाहर ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगा सकती. फॉर एग्जांपल ये चार्ज मैं यहां पर भी लेकर आ रहा हूं. तो एक ऐसी पॉइंट आएगी जिसके बाहर ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगी. जैसे मैं यहां पे बोल रहा हूं ना, तो मेरा साउंड किसी पर्टिकुलर एरिया तक वाइब्रेट करेगा, फिर उसके बाहर नहीं जाएगा. तो एक चार्ज भी दूसरी चार्ज पर फोर्स एक दायरे के अंदर लगाती है, उसके बाहर अगर मैं चार्ज को लेकर जाऊंगा तो वो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी. तो वो एरिया जिसके अराउंड एक चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स लगाती है, उस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. ठीक है, द रीजन और एरिया अराउंड व्हिच अ चार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन another charge is called as electric field. Electric field, ठीक है. अब है टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो मेन टर्म है. ये आप कंसीडर करें, ये है एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अराउंड ये चार्ज दूसरी चार्ज पर फोर्स लगा रही है. अब मैंने यहां पर तीन चार्जेस रखी हुई है. आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये चार्ज जब जो ये जो चार्ज है क्यू नॉट पॉजिटिव, इस पर ज्यादा फोर्स लगेगा, इसका इस पर कम लगेगा, इस पर और कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है फोर्स भी डिक्रीज होता जाता है. तो इस टर्म यहां पर एक टर्म आ जाता है इंटेंसिटी. यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स है, जो शिद्दत है, वो ज्यादा है. यहां पे कम है, यहां पे और कम. तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इक्वल होती है कितना फोर्स लग रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर. ये चार्ज इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रही है उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो कि 1 कूलम होता है. ये बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के. जितना फोर्स कम लगेगा, यहां पे कम लग रहा है फोर्स, यहां पे और कम लग रहा है, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी. और जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी. तो इंटेंसिटी का मतलब है शिद्दत. इंटेंसिटी फोर्स को कैलकुलेट करती है. जितना फोर्स ज्यादा लगेगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा, जितना फोर्स कम लगेगा उतनी इंटेंसिटी कम. मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. अब क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन पर. चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम. तो उसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो ये था लिटिल इंट्रो अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी.